अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो पीपल, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू शो कड़क रिएक्शन। मैं मोहम्मद शाबिस। मोहम्मद इनायत। ओके, सो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं एक मोस्ट सजेस्टेड वीडियो फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, पुराने चैनल से, दैट इज कॉल्ड घरोली घूम। क्या चरखरा 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 घरोली घूम चरखरा। ओके, बाई तहसीन सकीना एंड बलोच ट्विंस। बलोच ट्विंस नेस्कैफे बेसमेंट सीजन 5 का है, एंड दिस इज अ सेकंड वीडियो फ्रॉम नेस्कैफे, फर्स्ट वाज बोलहू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन ऑन दिस, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट, एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, इसके लिए डिटेल्स हमने दिए हैं। बोलेंगे बेस गिटार। हाँ, दिस इज़ द ट्विंस क्या? अली दम दम, हमारा इंस्ट्रूमेंट या सुनिए, मैंने कही आए हैं वाह वाह हाजत रवा मौला वाह बेहतरीन बेहतरीन Ah!
great work by the guitarist. Star, yeah? Wow. Oh, what a star, man. What
क्या बात है, क्या बात है, शी इज एन अमेजिंग तहसीन सकीना, बाप रे, आई थिंक आवाज सुनी है, नहीं सुनी मतलब क्यों बोलने से, शी हैज स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज विद द टोनल क्वालिटी ऑफ छन से जो टूटे कोई सपना, हु इज दैट सिंगर, व्हाट्स द नेम यार, इंडिया की श्रेया नहीं है, पाकिस्तान की यार, इंडिया 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 के दिल न टूटे माही वे मोहब्बत सती मंगदा नसीबा कुछ और, क्या नाम है उनका, ये मारना जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, हाँ रिचा शर्मा, रिचा शर्मा पाकिस्तान, ये भी पंजाब की हैं, उसी इसके हैं, उसमें तो इसीलिए मुझे लगा, लेकिन हाँ आई नेवर हर्ड मिस्टर तहसीन, तहसीन वाह 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 वाह, क्या अमेजिंग, क्या अमेजिंग, जब मैंने शुरू किया है, क्या है, कौन है ये, क्या गाएंगे ये, क्या करेंगे ये, शी जस्ट सेटिंग आराम से, क्या होगा पावर है, जस्ट लाइक ये क्या होगा, होते 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 हाउ दे पिक्ड अप एंड अमेजिंग, वेरी वेल डिजाइंड कोरियोग्राफी, सॉरी वेरी वेल डिजाइंड कंपोजिशन के साथ साथ, जो ढोल का इस्तेमाल हुआ था, जो ढोल की उतनी आवाज़ को उन्होंने फीबल करके उसमें मैच किया था, एंड द अमेजिंग वर्क बाय द गिटारिस्ट, द होल गिटार टीम, बीट बेस गिटार, बीट लीड्स, बीट जितने भी उन्होंने किया था वहाँ पे, गिटार तीन गिटार थे वहाँ पे, ऑल ऑफ देम हैव डन अ ग्रेट जॉब, सेम थिंग गोज़ टू पर्कशन एंड द सेम थिंग गोज़ टू एवरीवन, एंड द ट्विंस वर गिविंग अमेजिंग वोकल्स, बैक वोकल्स, इनका नाम मैंने बहुत सुना है, दिस बलोच ट्विंस, बहुत उनके यू नो चीजों के ऊपर क्रिटिसाइज़ेशंस भी आते हैं, बट आई हैव नेवर सीन, बट आई कैन से दे आर अमेजिंग टैलेंट, बलोच ट्विंस हैव डन अ ग्रेट जॉब इन वोकल्स, मिस तहसीन के बारे में तो क्या बताएं, शी इज अ रॉक स्टार, उन्होंने बराबर का यू नो सपोर्ट दिया है, बराबर का यू नो ये दिया उन्होंने, एंड शी इज हाँ, तो वेंशिंग जब उन्होंने उठ के गई थी वापस, मुझे लगा कि क्या करने वाले हैं, कुछ ना कुछ तो होगा, अभी कुछ ना कुछ धमाल होगा, लेकिन मुझे एक्सपेक्ट क्या कर रहा था कि शील जस भी ऐसा लोगों को ऐसा कर रही थी, उतना ही कर रही थी उन्हें लगा, बट उन्होंने जो मौला मौला जो पुकार थी, वो मौला की वो जो पुकार थी वहाँ पे, आई थिंक वही पार्ट नहीं गुज़बम्स दे रहा था, आई थिंक हम लोग जो फील हुआ हमको यहाँ पर रह के, इमेजिन वहाँ पर स्पॉट से किस तरीके का माहौल क्रिएट हुआ होगा, वो यू नो किस तरीके की एनर्जी थी होगी वहाँ पर, एंड दे वर जस्ट गॉन, ऑल द गिटारिस्ट वर जस्ट एंजॉयिंग द ऑन द टोन, एंड आई थिंक वो फिक्र ही नहीं कर रहे थे किसी और की, घूम चरख रहा बोल देना, घूम चरख रहा, घूम चरख रहा तो झूम कुछ ऐसा बोलगा, जो वो उन्होंने कहा था, क्या क्या किया था कि वो मौला जो मौला बोल रहे थे, वो जो स्टार्टिंग का पार्ट एंडिंग का पार्ट दोनों पार्ट जो हार्ड हिटिंग थे वहाँ पे, इनको पता है कि ये गाना बेसिकली उन्होंने डिजाइन इसलिए किया है कि स्टार्टिंग पार्ट और एंडिंग पार्ट बेस्ट पार्ट्स हो इसके, मिडिल पार्ट्स इसमें एक्सप्लेनेशन हो गाने का, एंड ऑब्वियसली द स्टार्टिंग पार्ट्स एंड एंडिंग पार्ट वर बिग, अगर आप कोलेक्ट करें तो दे फॉर्म लाइक 2 मिनट्स द सॉन्ग, कंप्लीटली 2 मिनट्स हो जाएंगे गाने के, बट अमेजिंग वर्क देयर, क्योंकि इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट एज म्यूजिशियंस, आई एम टेलिंग यू इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज वो गा नहीं रही थी, वो जब मौला मौला ही बोल रही थी, उसको उस मौला मौला क्राई में जो उन्होंने वो जो एक्सपीरियंस उन्होंने डाला है वहाँ पे, बाप रे बाप, कितना पढ़े होंगे, कितना सीखे होंगे ये लोग, ये एग्जैक्टली कितना वक्त लगाया होगा इन्होंने, क्योंकि इतना ये जो परफॉर्मेंस है ना इसमें परफॉर्मेंस 5 मिनट की है, इसमें सिर्फ 10 मिनट की है, 10 साल या 15 साल की मेहनत है इसमें, जो लोग सीखे होते हैं 10 साल तक 15 साल तक वो इसमें दिखाते हैं, नॉर्मल लोगों के लिए इट्स नॉट टू बी लगता सिंपल है, यस, बट टू क्रिएट समथिंग लाइक दिस इज पार एक्सीलेंस, यू नो टू बी इन सिंक विद ऑल ऑफ देम, एंड आई थिंक दे आर नॉट अ सिंगल बैंड, एक बैंड के नहीं है, अलग अलग लोग हैं, यू नो द गिटारिस्ट विल बी द वन टीम, द बलोस्टीन इज द वन टीम, तहसीन सकीना हैज अनदर टीम, सब आके एक साथ आके एक सिंक में एक परफॉर्मेंस क्रिएट करना इज अ वेरी बिग डील, एंड यू नो उसके लिए उतना एक्सपीरियंस भी चाहिए, एंड यहाँ पर वो दिखा एक्चुअली, एग्जैक्टली, यू नो घरौली घूम एक्चुअली ओरिजिनल परफॉर्म बाई आबिदा परवीन इन कोक स्टूडियो ऑल्सो, ओके, उसके ऊपर भी सजेशन आते हैं, बट इसके ऊपर ज्यादा आते हैं, तो हमने डिसाइड किया कि विल रिएक्ट ऑन दिस, एंड दिस वॉज अमेजिंग, आई जस्ट लव्ड इट, यार, इंडीड, yeah, so this was our reaction on Gharoli Gum Charakhara. I wish we could talk more about this, but kya baat kare? There's so much. Yeah, by Tahseen Sakina and Balustin, it was amazing. Yeah, thank you so much for suggesting us this. And jaane se pehle channel ko subscribe kar lijiye, notification bell ring kijiye for more entertainment. You can follow us on Instagram. Ke liye details humne diye hain. This is Mohammad Shavis. Mohammad Inayat. Signing off.